हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोरसी गार्डनिंग प्लांट में। फ्रेंड, आप सब तो जानते हैं कि पौधे हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि पौधे से हमें बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। आज हम आपको घर के अंदर या फिर घर के बाहर ऑक्सीजन को शुद्ध करने वाले ऐसे 5 पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो पौधे घर में हवा को शुद्ध करने फिल्टर का काम करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको भी लगाना है तो आप यह एरिका पाम के पौधे को अपने घर के अंदर या फिर बाहर जरूर लगाइए। एरिका पाम का पौधा हवा को शुद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो ये पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले पौधे की। दोस्तों, यह रबड़ प्लांट का पौधा है। दोस्तों, इसको घर के अंदर हवा को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। यह एक बोनसाई वाला रबड़ प्लांट का पौधा होता है दोस्तों, जिसको आप अपने घर के अंदर गमले में या फिर बड़े से कुंडी में लगा के अपने घर को ऑक्सीजन से भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस की बात कर ले तो यह पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला होता है। दोस्तों, इसको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डाल दीजिए, यह आपके घर में बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करके बहुत सारी ऑक्सीजन को शुद्ध करता है दोस्तों। दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे प्लांट यानी मचेरा प्लांट की। दोस्तों, आपको बता दें कि यह घर के अंदर रहने वाला सबसे बढ़िया ऑक्सीजन स्रोत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक पत्तीदार झाड़ी नुमा पौधा है दोस्तों, जिसकी हाइट 2 से 2.5 फीट की होती है। यह एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसको घर के अंदर लगाने से आपके घर की जितनी नकारात्मक हवाएं हैं उनको यह पौधा बहुत ही जल्दी से उसको प्यूरिफाई करके आपको एक शुद्ध हवा पहुंचाता है। यह पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्लांट जीजी प्लांट के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक इंडोर वाला पौधा है जिसको घर के अंदर या फिर बाहर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे को पीस लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्हाइट कलर की पत्तियों के जैसे फ्लावर आती है जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। इसको भी घर के अंदर हवा को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो यह पौधा भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है। बस इसको लगाते समय एक चीज का विशेष ध्यान दें दोस्तों कि इसको हमेशा कोकोपीट में ही लगाएं और इस पौधे में पानी का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। रोज रोज पानी इसमें ना डालें, 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना ही इस पौधे के लिए बहुत है। यह पौधा ऑक्सीजन प्यूरिफाई का नंबर 1।